Assalamu alaikum, my name is Muhammad Ramzan and I am professor of chemistry. Students, last lecture में हमने petroleum की बात की थी. तो petroleum में हमने पढ़ा था fractional distillation of petroleum. तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है cracking, यानी cracking of petroleum. तो बेटा आपने जहन में रखना है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का जो केमिकल एक पैटर्न है, एक केमिकल डिज़ाइन है, वो कैसे है और क्यों कर है. हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को क्यों यूटिलाइज करते हैं, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काफ़ी नहीं है. तो बेटे याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सफिशेंट वे नहीं है. इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें जो पेट्रोलियम मिला या हमें जो गैसोलीन मिली, जहाँ हमें पेट्रोल मिला या रेलिवेंट एक फ्यूल हमें मिला, वो तकरीबन 20% तक ही प्योर था. यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में हमें जो केमिकल कंटेंट्स मिले वो तकरीबन 20% तक वो प्योर थे और वो एक्टिव थे. अब हमने ये सीखा है क्योंकि गैसोलीन का या पेट्रोल का या दूसरे फ्यूल का जो कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, उनका जो यूज़ है, उनका जो यूटिलाइज है वो बहुत ज़्यादा है. अब उसकी कमी को पूरा करना या उसको कॉम्पेंसेट करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हुआ. तो हमने फिर क्या किया कि हमने एक ऐसा मेथड अडॉप्ट किया कि जिस मेथड के मुताबिक हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बाद एक और केमिकल मैकेनिज्म को हमने अडॉप्ट किया कि जिसका नेम है क्रैकिंग. और इसमें हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं. हम क्यों करते हैं कि जो 20% एक पोर्शन था, उस पोर्शन के बाद जो 80% दूसरा पोर्शन है, हम 80% का क्या करें, क्या हम 80% को इग्नोर कर दें? नहीं. हम अगर बकिया 80% को इग्नोर करते हैं तो हमारी जो फ्यूल की कंजम्पशन है, फ्यूल का इस्तेमाल है, ये उसकी कमी को पूरा नहीं करता. सो हमारी ये कंपल्शन थी, हमारी मजबूरी थी कि हमने पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसके बाद हमने एक दूसरा मेथड अडॉप्ट किया जिसका नेम है क्रैकिंग. और इसी में हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्रैकिंग वर्ड का मीन क्या है, क्रैकिंग हम कहते किसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिएगा क्रैकिंग की. The thermal decomposition of hydrocarbons. तो यहाँ पे वर्ड hydrocarbons, higher hydrocarbons होंगे. In the absence of air, हवा की गैर मौजूदगी में, हवा की अदम मौजूदगी में ऐसा होगा, इस कॉल cracking, हम इस अमल को cracking का नाम देते हैं. तो बच्चे cracking में एक छोटी सी मैं आपको example देता हूँ. फर्ज करें कि मेरे पास मीथेन गैस है. मीथेन गैस होस फॉर्मूला इज CH4. अब मीथेन गैस को अगर हम देखें तो मीथेन गैस एक हायर हाइड्रोकार्बन नहीं है, जो कि लोअर है. लेकिन हम क्रैकिंग इसकी भी करवा सकते हैं. अगर हम हवा की गैर मौजूदगी में इसकी क्रैकिंग करवाएं और ये 1200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हमने एयर को पास नहीं करना और ना ही हम इस मीथेन गैस को एयर प्रोवाइड करेंगे या हम गैस प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं. हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं देनी, सप्लाई नहीं देनी. अब हम क्या करेंगे कि हम मीथेन गैस को इतनी टेम्परेचर की रेंज में हम इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे. जब हम इतनी टेम्परेचर की रेंज में इस मीथेन गैस की डीकम्पोजिशन करते हैं, जिसको थर्मल डीकम्पोजिशन का नाम दिया है, तो देन हमारे पास रिजल्ट क्या आता है. रिजल्ट देखिएगा, हमें कार्बन मिलती है और प्लस हाइड्रोजन गैस हासिल होती है. हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन और हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होती है. इक्वेशन को बैलेंस कर लें आप, इक्वेशन बैलेंस है.
तो ये है एक छोटी सी एग्जांपल मैंने क्रैकिंग की आपको दी है कि क्रैकिंग में ये होता है, अगर यही मीथेन गैस है, इसको मैं कुछ यूं करता हूँ, चलिए यहाँ देख लें, अब यहीं देखिएगा कि ये CH4 है प्लस ऑक्सीजन, इसको हमने इसकी कंबस्टन की है, हमें क्या मिलेगा, हमें CO2 गैस और प्लस वाटर के वेपर्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपने फर्क करना है कि इस रिएक्शन में और इसमें दोनों में फर्क क्या है। ये रिएक्शन हुआ क्रैकिंग का, दैट इज नॉट द कंबस्टन, और ये रिएक्शन हुआ कंबस्टन का, दैट इज नॉट द क्रैकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग हमने यहां भी की है, बर्निंग हमने एक तरह से यहां भी की है, यहां भी हमने इस फ्यूल को जलाया है, और ये इधर भी हमने इस फ्यूल को कंबस्टन इसकी की है, ये इधर भी हमने जलाया है इसको। लेकिन यहां पे अब दोनों चीजों में आपने डिफरेंस करना है, इनको आपने डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में फर्क क्या है। अब यहां पे भी हमने इसको डिकम्पोज किया है, एक तरह से यहां भी हमने इनको डिकम्पोज किया है, लेकिन यहां पे हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दी है इसको, लेकिन यहां हमने इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी। ऑक्सीजन की सप्लाई का ना देना, इसी वजह से हमने इसको किसका नाम दिया है, हमने इसको क्रैकिंग का नाम दिया है। और ये क्रैकिंग नहीं है, दैट इज द कंबस्टन, जिसमें हमने ऑक्सीजन सप्लाई की है और ये फ्यूल यानी मीथेन गैस की कंबस्टन हुई है, ये जली है, और इसके रिजल्ट में हमें हीट एनर्जी मिली है, वाटर के वेपर्स मिले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है। तो ये बच्चे छोटी सी एग्जांपल है। अब हम चलते हैं क्रैकिंग में जो हमारी एक्चुअल एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ। उसमें एग्जांपल है जी मेरे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स की, तो वो एग्जांपल आप देखिएगा। अच्छा, हायर हाइड्रोकार्बन्स में मेरे पास कंपाउंड है C16 H34, और इस कंपाउंड का नेम क्या है, हेक्साडिकेन, हेक्साडिकेन। इस कंपाउंड का नेम क्या है, हेक्साडिकेन। और यहां पे एक बात और भी आपने याद रखनी है कि हेक्साडिकेन ये चीज क्या है। तो बच्चे याद रखें कि हेक्साडिकेन भी एक फ्यूल है। अगर हम यहां पे C16 है, C13 लें हम, C14 लें और C15 लें, C16 लें, C17 लें, या हम C18 लें, तो आपने जहन में रखना है कि ये जो एक कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स की एक रेंज है, ये रेंज आती है डीजल की कैटेगरी में। डीजल की कैटेगरी में अगर ये रेंज आती है, तो हायर हाइड्रोकार्बन का इस रेंज में जो कंजप्शन है, इस्तेमाल है, वो बहुत कम है। अगर इसका इस्तेमाल बहुत कम है और ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, तो हमारे ये समझ लीजिएगा कि किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। यानी कि काम का जरूर है, लेकिन इसकी जो यूटिलाइजेशन की एक रेंज है वो लिमिटेड है। क्यों, मैंने पहले बात की है स्टार्ट में कि तकरीबन 20% हमें जो गैसोलीन मिलती है, और बाकी सारी चीजें कौन कौन सी, हमें हमें डीजल ऑयल मिला। अब डीजल ऑयल क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है। हमें जेट फ्यूल मिला, वो क्या है, वो भी हायर हाइड्रोकार्बन है। हमें केरोसिन ऑयल, जिसको आप मट्टी का तेल कहते हैं, हमें ये मिला, ये भी क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन है। और इनकी क्वांटिटी ज्यादा हमें मिलती है, और कहां से मिलती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमें इनकी मिकदार ज्यादा मिलती है, लेकिन इनका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं है जितना कि लोअर हाइड्रोकार्बन का है। अब हमारा जो मकसद है वो क्या है, मकसद ये है कि हम 20% के बाद जो एक 80% का मार्जिन है,
उसको हम कॉम्पेंसेट करें, लेकिन उसकी हम जो कॉम्पेंसेशन है ये कैसे करते हैं, तो बच्चे जहन में रखना है वो कॉम्पेंसेशन हम क्रैकिंग में आके करते हैं। तो क्रैकिंग में यहां पे मैंने लिखा है जी हेक्साडिकेन, ठीक है, हेक्साडिकेन को मैंने थर्मली डिकम्पोज करना है, और थर्मली डिकम्पोज मीन मैं इसको हीट करूंगा, और हीट की यहां पे रेंज क्या है, तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस तक। यानी मैंने हेक्साडिकेन जो कि हायर हाइड्रोकार्बन है, मैंने इसको इतनी रेंज में हीट किया, और ये थर्मली क्या होगा, अभी डिकम्पोज होगा, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमें रिजल्ट्स कौन से मिलते हैं, यहां पे एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो कि आगे चल के बतानी बनती है, लेकिन मैं यहीं आपको इन्फॉर्म कर दूं बेटे, आपने याद रखना है कि क्रैकिंग की तीन किस्में हैं। एक क्रैकिंग का नेम है थर्मल क्रैकिंग, दूसरी क्रैकिंग का नेम है कैटालिटिक क्रैकिंग, और तीसरी क्रैकिंग का नेम है स्टीम क्रैकिंग। अब अगर हम इसी कंपाउंड को थर्मल क्रैकिंग में रखेंगे तो यहां पे इसी कंपाउंड से हासिल होने वाली यील्ड क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर हम इसी को कैटालिटिक में लेके आते हैं तो यहां पे हासिल होने वाले तमाम कंपाउंड्स क्या होंगे, वो थर्मल की निस्बत डिफरेंट होंगे। अब दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जब हम इसी को स्टीम क्रैकिंग में लेके आएंगे तो देन यहां पे हासिल होने वाली यील्ड यानी प्रोडक्ट्स क्या होंगी, वो पहली दो से अलग होंगी। बात समझ आ रही है? तो यहां पे जो इसमें इस रेंज में मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें मेरे पास पहली प्रोडक्ट्स आती है अल्केन फैमिली में, कंपाउंड का नेम है हेप्टेन, कंपाउंड का नेम क्या है जी, हेप्टेन C7 है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैस नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास एक सेकेंड कंपाउंड आता है, इस कंपाउंड का नेम है जी इथीन, इसको हम इथीन भी कहते हैं, या इस कंपाउंड को बेटा जी हम इथाइलीन भी कहते हैं। और ये अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है, इथीन या इथाइलीन। दूसरा कंपाउंड ये है, और इसके रिजल्ट में, इसकी थर्मली डीकंपोजिशन के रिजल्ट में जो तीसरा कंपाउंड है उसका नेम है जी CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, जगह थोड़ी कम थी। यानी तीन कार्बन है, पहला कार्बन 3H के साथ जुड़ा है, दूसरा कार्बन 1H के साथ जुड़ा है, और तीसरा कार्बन 2H के साथ जुड़ा है, लेकिन ये कंपाउंड बी अनसैचुरेटेड है। इस कंपाउंड का नेम है प्रोपीन। इस कंपाउंड का नेम क्या है बेटा, इस कंपाउंड का नेम मैं ऊपर लिख देता हूं, प्रोपीन है। इस कंपाउंड का नेम क्या है, प्रोपीन। तो इन शॉर्ट हेक्साडिकेन को हमने थर्मली डिकम्पोज किया 700 पे जाके, और इसने हमें हेप्टेन दिया, इसने हमें इथाइलीन या इथीन दी, और इसने हमें प्रोपीन दी। ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है, और ये अल्कीन फैमिली का ये पहला मेंबर है, और अल्कीन फैमिली का ये दूसरा मेंबर है। ओके, तो जो रहे आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं बाकी टाइप्स को। इसकी टाइप्स तीन है बेटा, जैसे मैंने पहले बोला है, पहली टाइप का नेम है थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग में हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, और हमें हाई
प्रेशर चाहिए, हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर चाहिए थर्मल क्रैकिंग में। और ये जनरल ही फॉर्म है जैसे मैंने ऊपर बयान की है, लेकिन इसके रिजल्ट में हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं, हमें फ्रैक्शंस मिलते हैं, वो होते हैं जी अनसैचुरेटेड। वो कैसे होते हैं? कॉमनली वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अगली बात सेकंड है जी मेरे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। जैसा नाम वैसा काम, मतलब इसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व होगा, इसमें क्या होगा? कैटालिस्ट इन्वॉल्व होगा। और इसमें क्या टेम्परेचर होगा? तो इसका आंसर हाँ में है, जी हाँ टेम्परेचर भी होगा इसमें टेम्परेचर भी होगा। और बेटा इसमें प्रेशर होगा, तो यस प्रेशर भी कुछ हमें अप्लाई करना होगा। अब कैटलिस्ट कौन से होंगे इसमें, नोट फरमा लें आप लोग, एलुमिना। क्या होगा? एलुमिना, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। एलुमिना होगा इसमें। और एक दूसरा भी कैटलिस्ट है जिसका नाम है सिलिका, और उसका फॉर्मूला क्या है? SiO2। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम इन दोनों कैटलिस्ट का मिक्सचर यूज करते हैं। बेटा बातें याद रखनी है, रट्टा नहीं लगाना। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? हमें टेम्परेचर चाहिए, जी हाँ, तकरीबन ये रेंज मैंने लिखी है, ये तकरीबन यहां लिख देता हूं मैं 500 की। प्रेशर तकरीबन ये बहुत कम होता है 280 की रेंज। टेम्परेचर हमें इस रेंज में चाहिए, प्रेशर हमें इस रेंज में चाहिए, कैटलिस्ट हमें ये दोनों चाहिए, और ये दोनों को हमने मिक्स करके अप्लाई करना है। और कैटालिटिक क्रैकिंग के रिजल्ट में जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो क्या होते हैं? लो हाइड्रोकार्बन्स, और वो अनसैचुरेटेड बहुत ही कम होते हैं। अगली बात आखिरी है जी हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम स्टीम का यूज करते हैं। हम बेटा स्टीम का यूज करते हैं। और कोई भी आपने हाइड्रोकार्बन हायर लिया, आपने कोई भी हायर हाइड्रोकार्बन लिया और उसको आपने स्टीम में से पास किया, स्टीम की रेंज क्या है? स्टीम की रेंज है 900 डिग्री सेल्सियस की। आप याद रखिएगा कि 900 डिग्री सेल्सियस में जब हम इतनी हॉट स्टीम का इस हाइड्रोकार्बन को केमिकली टच देते हैं ना, तो इसके फौरन से टोटे हो जाते हैं, ये थर्मली डिकम्पोज हो जाती है। अब क्या होता है जी, इसके रिजल्ट में भी हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब मैं इन तीनों टाइप्स को समअप करता हूं। पहली बात हमने की है थर्मल क्रैकिंग की। तो थर्मल क्रैकिंग में हमने अभी ये सीखा है कि सिंपली हमें हायर प्रेशर चाहिए और हायर टेम्परेचर चाहिए। और हायर टेम्परेचर और प्रेशर में आप लोगों ने अभी ये सीखा है कि हम सिंपली इनको डिकम्पोज करते हैं, लेकिन हमें वहाँ जो कंपाउंड ज़्यादा मिलते हैं जो कि लोअर होते हैं, वो होते हैं जी अनसैचुरेटेड। बेटा वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। दूसरी बात हमने की है कैटालिटिक क्रैकिंग की, जिसमें हमें कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट कौन सा होगा? एलुमिना होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगी जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर 280 होगा, और इससे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो क्या होती हैं जी, वो कंपैरेटिवली अल्केन फैमिली से उसका ताल्लुक होता है, और वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं होती।
तीसरी और आखिरी बात, स्टीम क्रैकिंग में आपने क्या किया, मैंने बोल दिया है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे जो एक्टिव कैटालिटिक क्रैकिंग की और थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग में सबसे ज्यादा जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सी है, वो है जी स्टीम क्रैकिंग। सबसे एक्टिव जो बहुत ही कम टाइम लेती है, बॉडी बड़ी जल्दी से आपको क्या देती है जी, प्रोडक्ट्स दे देती है, वो है स्टीम क्रैकिंग। लेकिन थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग ये दोनों कैटेगरीज इतनी ज्यादा कारामद नहीं है, क्योंकि ये भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देती है और ये भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देती है। सबसे ज्यादा जो अच्छी हमें यील्ड देती है और लोअर हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करती है, उसका नेम है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। सबसे एक्टिव जो कम टाइम लेती है वो ये है, और सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है, जो हमें रिजल्ट्स अच्छे देती है, जो हमें यील्ड अच्छी देती है, जो हमें हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन्स अच्छे देती है, वो कौन सी है बेटा, उसका नेम है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। तो ये हुआ जी, हमने इसको समाप्त किया, आगे चलते हैं जी सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग। भाई क्रैकिंग के फायदे क्या हैं, तो शॉर्टली इसको आप देख लीजिएगा। पहली बात, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री टू मैन्युफैक्चर वेजिटेबल घी। तो ऊपर हमने बनाई है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वेजिटेबल घी बनाने में, फर्टिलाइजर्स में भी इसका इस्तेमाल है। क्यों, हम हाबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाते हैं, तो अमोनिया में हम हाइड्रोजन गैस यहीं से हासिल करते हैं, और ये सी कार्बन ब्लैक, ये भी टायर इंडस्ट्री में और रबर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है बहुत ज्यादा। ओके, दूसरी बात, इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ गैसोलीन इज रिकवर्ड बाय कन्वर्टिंग हाई हाइड्रोकार्बन सच एज केरोसिन टू द गैसोलीन बाय क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू गैसोलीन जैसा भी फ्रैक्शन, जिसको हम मट्टी का तेल कहते हैं, गैसोलीन जैसे लो क्वालिटी के लो ऑक्टेन नंबर वाले फ्यूल को भी हम गैसोलीन में चेंज कर सकते हैं, यानी हम उसकी गैसोलीन बना सकते हैं, जो कि एक अच्छा फ्यूल होता है, जिसका यूज भी ज्यादा है और जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात, आगे चलते हैं जी, यील्ड ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज बाय क्रैकिंग। हम गैसोलीन की जो पैदावार है, इसकी यील्ड है, क्रैकिंग के थ्रू हम उसको बढ़ा सकते हैं। बेटा आगे चलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय क्रैकिंग। जैसे हमने बात की थी ना लास्ट टाइम कोल में, कि जब हमने कोल की डिस्टिलेशन की थी, जिसको हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम दिया था, तो वहां से हमें कोक मिली, हमें वहां से कोल टार मिली, वहां से हमें कोल गैस मिली, तो कोल टार में हमें 215 कंपाउंड्स मिले थे। तो बिल्कुल इसी तरह जो क्रैकिंग है, इसमें हमें बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। अब इसमें मसलन इथीन आपको मिली, प्रोपीन आपको मिली, ब्यूटीन आपको मिली और बेंजीन मिली, यानी इसमें हमें साइक्लिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं और हमें जो ओपन चेन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं वो भी मिलते हैं। तो बच्चे इसके अलावा अब इन तमाम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनका यूज क्या है, इनका यूज बेटा मेडिसिन में बहुत ज्यादा है, डिटर्जेंट्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा है, इंसेक्टीसाइड्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा है और पेस्टिसाइड्स की तैयारी में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डाइस में और सोप की इंडस्ट्री में, दीगर इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो बेटा आज हमने क्या सीखा है, आज हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद एक और मेथड सीखा है, जो कि हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हासिल होने वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनको ज़्यादा प्योरीफाई करता है, उनको ज़्यादा वेल रिफाइंड फॉर्म में लेके आता है, और उसका नेम क्या है, क्रैकिंग है, जो कि 20 से 80% सरप्लस होते हैं, उनको भी अच्छी क्वालिटी के फ्यूल में, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स में, अच्छी क्वालिटी की बाई प्रोडक्ट्स में चेंज करता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है, और हमारी जो फ्यूल की कमी है या दूसरी जितनी भी केमिकल कंटेंट्स जो हमारे इस्तेमाल की होती हैं, उनकी कमी को पूरा करता है। तो बच्चे क्रैकिंग यहीं तक आपने करना है, अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा, और कोई भी क्रैकिंग के मुतलका या क्रैकिंग की टाइप्स के हवाले से
आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर पूछना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक यही, अल्लाह हाफिज़।